तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो रनिंग के अंदर सांस फूलता है तो उसके अंदर हमें डाइट में क्या लेना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैंने पीछे एक वीडियो बताया था, उसमें क्या बताया था कि आपको रनिंग के अंदर मतलब किस प्रकार से लेना है, गांव वाले और शहर वाले हैं। तो इसके अंदर अपना ये वीडियो है जिसके अंदर आपको रनिंग में तो क्या डाइट लेनी है। तो डाइट की बात करते हैं, तो डाइट में क्या करना है, आपको रनिंग करते हो तो घर पे सबसे पहले आपको रात को क्या करना है, शाम को इवनिंग टाइम में 10 से 10 किशमिश होते हैं, उनको एक गिलास में भिगोना है, एक पानी पूरा गिलास पानी का भरना है, उसके अंदर 10 किशमिश डाल देने हैं। फिर क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में रनिंग करने आता हो तो उसको क्या करना है, उस पानी को पी के आना है। या तो आप ग्राउंड में आते हो वक्त साथ लेके आ सकते हो बोतल में डाल के, या फिर घर से पी के आ सकते हो। उससे आपका क्या होगा, पहले 70 से 80% सांस फूलता था तो उससे 50 से 55% या 60% हो जाएगा। ये हमारा था डाइट के उधर। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज कौन सी करनी है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको रनिंग के बाद में कूल डाउन होना है। कूल डाउन होने के बाद रनिंग के अंदर चेस्ट में सांस भरना है और होल्ड करके रखना है, जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करके रखना है और सांस को बाहर फेंकना है। जिस प्रकार से सेम वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आपको 4 से 5 बार ट्राई करना है, आपकी सांस फूलने की जो प्रॉब्लम हो रही है रनिंग के बाद में वो जड़ से खत्म हो जाएगी। ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, आगे लास्ट तक जुड़े रही और भी एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आसपास का वातावरण बढ़िया और सही जगह पे बैठना है, सही कमर सीधी रहनी चाहिए और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ सेम उस प्रकार से करना है। करते वक्त एकदम शांत माइंड रहना चाहिए, आसपास में चेतावनी नहीं होनी चाहिए और एकदम किसी के साथ बोलना चाहिए, आंखें बंद करके करना है जिस प्रकार से मैं सेम बता रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से लंबे टाइम तो करना है, मैंने शॉर्ट में करके बताया है, वीडियो लंबा नहीं हो, और हर बार लेना है, एक से लेना है और दूसरे से छोड़ना है, हर बार होल्ड करके रखना है। बार बार ट्राई करोगे तो अपना अपना बेनिफिट आपके पास मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको रोज रनिंग करने के बाद में करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो भी पॉइंट बताया है ये आपको शुरुआती दिनों में नेचुरल लगेगी, ये तो नॉर्मल है, हम कर सकते हैं किस प्रकार से, तो इसका रिजल्ट आपको आने वाले दिन में मिलेगा। आपका जिस इवेंट है, भर्ती है, वो नजदीक आएगी उसमें मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम दोस्त लोग भाई मिलके जो ग्राउंड पे तैयारी करते थे वहां से मैंने निकाला है। जो शुरुआती दिनों में तकलीफ आती है वो धीरे धीरे बता रहे, अगर आप शेड्यूल वाइज पॉइंट वाइज धीरे धीरे करोगे, शेड्यूल वाइज चलोगे तो आप अपने आप में जो आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मैं तरीके से बता रहा हूँ आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर दिए हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जो पॉइंट बताए हैं सांस के ऊपर, आपको इसमें फिर भी कोई डाउट आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। आपको रनिंग से रिलेटेड फिटनेस से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप बाकायदा फोन करके पूछ सकते हो, आपको मैं 101% आपके लिए हाजिर हूँ, फिटनेस से संबंधित कुछ भी हो। और जो मैंने टिप्स बताए उनको बारीकी से फॉलो करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।